मौका मिल सके, उनका विकास हो सके और उनके भविष्य को एक नई दिशा मिल सके। आपने देखा है, साक्षरता अभियानों में देश में एक नई क्रांति आई है। हमने ये भी देखा है कि साक्षरता अभियान, जो अक्षर की नींव से जुड़े हैं, आज मानव संसाधन और उसके विकास के वटवृक्ष के रूप में फल फूल रहे हैं। हमने एक नई चुनौती को स्वीकारा है, जिसमें किसी एक की नहीं बल्कि सभी की भागीदारी है। आज का कार्यक्रम अब से कुछ ही मिनट में आरंभ होगा, जब मानव संसाधन विकास मंत्री श्री माधवराव सिंधिया यहाँ आएंगे, साक्षरता की मशाल जलाएंगे और फिर ये कार्यक्रम आरंभ होगा। अभी अभी मानव संसाधन विकास मंत्री श्री माधवराव सिंधिया का स्टेडियम में आगमन हो गया है और उनका स्वागत किया शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने। अपने आगमन पर मंत्री महोदय ने साक्षरता की ज्योति जलाई। इसके साथ ही दुंदुभी, शहनाई और नगाड़ों की गूंज से मानव साक्षरता अभियान में एक नई जान फूंक दी। स्कूलों के छोटे छोटे बच्चे उनका स्वागत फूलों से कर रहे हैं। मंत्री महोदय राजीव गांधी जी के चित्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन करके मंच पर मानव संसाधन विकास मंत्री श्री माधवराव सिंधिया मंच पर पधार चुके हैं। यहाँ पुष्पों से उनका स्वागत करेंगी दिल्ली स्कूल्स लिटरेसी प्रोजेक्ट की नव साक्षर बालिकाएं। सर्वप्रथम मानव संसाधन विकास मंत्री श्री माधवराव सिंधिया। शिक्षा एवं संस्कृति उप मंत्री कुमारी सैलजा। शिक्षा विभाग के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी श्री पी आर दास गुप्ता। और शिक्षा विभाग में ही अतिरिक्त सचिव श्री वाई एन चतुर्वेदी। अब हम मंत्री महोदय जी से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे प्यारे दिवंगत नेता और भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के चित्र का पुष्प माला अर्पित करें और उसके पश्चात दीप प्रज्वलित करें।
Rashtriya Sakshrata Sammelan, which is being held to commemorate the 51st birth anniversary of our former Prime Minister, late Sri Rajiv Gandhi ji. Rajiv ji dreamt of a fully literate India and set up the National Literacy Mission in 1988 to accomplish this laudable task. राष्ट्र में शिक्षा के प्रति एक नई जागृति फैली है, शिक्षा के लिए एक नया प्यास हम महसूस कर रहे हैं और शिक्षा के प्रसार और प्रचार में जन जन पूरी तरह से संकल्पित है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारे दक्षिण भारत से भी प्रतिनिधिमंडल आए हैं, इसलिए अंग्रेजी में भी आई वुड लाइक टू वेलकम यू हियर दिस इवनिंग दिस वंडरफुल मोज़ेक दैट इज इंडिया इज टुडे बिफोर आवर आईज। इट इज दिस ग्रेट यूनिटी इन डाइवर्सिटी दैट वी रिप्रेजेंट एंड लेट अस नॉट फॉरगेट that it was Indira ji who always emphasized this point. And to maintain the strength and unity of this country, my friends, let us always give recognition to this diversity. By giving recognition to this diversity, we will be strengthening our unity. And this is the path that Rajiv Gandhi guided us to. Today we remember him with nostalgia. We remember him with fondness. We remember him with gratitude. Because Rajiv Gandhi brought to this country a new freshness in outlook, a new attitude, an enthusiasm, a happiness, and our lakhs and lakhs of countrymen in distant areas of this country were enthused and looked towards that new India. It is Rajiv Gandhi's dreams that we are committed to converting into a reality under the leadership of our Prime Minister, Mr. P.V. Narasimha Rao. आज अगर किसी बात कोई बाधा हमारे देश के सामने आ रही है तो वो ये है कि अभी भी हमारे राष्ट्र में मात्र 52% जनता, मात्र 52% नागरिक शिक्षित हैं।
நிதம் திக்கை வணங்கும் துருக்க கோயிர் சிலுவையில் முன்னே கும்பிடும் சுமதத்தா ஜாதி பிரிவுகள் சொல்லி அதில் தாழ்வென்றும் மேலென்றும் கொள்வார் ஜாதி பிரிவுகள் சொல்லி அதில் தாழ்வென்றும் மேலென்றும் கொள்வார் முரசே 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 ஜாதி கொடுமைகள் வேண்டா அன்பு தன்னில் செழித்திடும் பையம் ஜாதி கொடுமைகள். ராஜீவ் காந்தி.